हेलो दोस्तों, अन्नपूर्णा की रसोई में आपका स्वागत है और मैं हूं आपकी आरती। तो चलिए देखिए, आज मैं आपके साथ अपने मटर पनीर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं, जिसके लिए मैंने 4 बड़े टमाटर लिए हैं, 7 से 8 प्याज लिए हैं और यहां मिर्च, लहसुन, अदरक, और यहां लिया है मैंने 250 ग्राम पनीर। और यहाँ देखिए, मैंने मटर को उबलने के लिए रखा है। ये देखिए, मटर भी 250 ग्राम ली है मैंने। तो चलिए दोस्तों, मैं इसे दिखाती हूँ कि मैं इसे कैसे बनाती हूँ। तो देखिए दोस्तों, मटर पनीर तो आप सभी लोग बनाते होंगे, ऐसी बात नहीं। तो चलिए देखिए कि मैं इसे कैसे बनाती हूँ। तो चलिए, अपनी कढ़ाई को हम चढ़ा देते हैं। उसमें 1 से 1.5 चम्मच हमने तेल डाला है। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सा 1 चुटकी ज़ीरा डालेंगे। तो देखिए, हमने ज़ीरा डाल दिया है, हमारा तेल गर्म हो गया था, इसलिए देखिए ज़ीरा भी अच्छे से चटक चुका है। तो बस चलिए, अब इसमें हम अपने कटी हुई प्याज डालेंगे, कटी हुई मिर्च, लहसुन और अदरक भी डाल देंगे हम। तो ये देखिए, हमें इसे बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं पकाना है, इसे हमें सौटे करना है। बस जब तक इसमें पिंकिश सा कलर आ जाए तब तक ही हमें इसे पकाना है। बहुत ज़्यादा हमें अपने मसालों को नहीं पकाना है, जो हमने ये कट किए हैं मसालों को, इनको बस पिंक कलर आने तक ही हमें इन्हें फ्राई करना है। तो देखिए, यहाँ हमारी मटर भी उबल रही है। इसे हमने उबालते समय 1 चुटकी इसमें चीनी डाल दी थी, ताकि हमारी जो मटर हैं वो हरी भरी बनी रहें। तो देखिए, यह हमारा प्याज वगैरह जो हमने मसाला तैयार किया था, वो देखिए कितना अच्छा कलर आ चुका है, उसमें पिंकिश सा कलर आ चुका है। ध्यान रहे इसे बहुत ज़्यादा फ्राई ना करें, क्योंकि इसे पीसने के बाद भी हम थोड़ा फ्राई करेंगे। तो चलिए, इसे हम किसी बर्तन में निकाल लेते हैं ठंडा करने के लिए, ताकि ठंडा हो जाए तो हम इसे पीस सकें। और यहाँ देखिए, मैंने टमाटर भी कट करके रख लिए हैं। ये देखिए, इसे मैंने प्लेट में निकाल लिया है। तो चलिए, हम अपने टमाटर को भी अच्छे से सॉटे कर लेंगे। थोड़ा सा एक चुटकी इसमें भी नमक डाल देंगे, ताकि हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। ये देखिए, अब इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए ढक देंगे, ताकि हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और पक जाएं। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, देखिए हमारे टमाटर अच्छे से पक चुके हैं। अब इसको भी हम निकाल लेंगे, अभी इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए, हमारी मटर कितनी अच्छी हरी भरी सी तैयार हो चुकी है। ये देखिए, बिल्कुल भी इसका कलर नहीं गया। यहाँ देखिए, हमारा मसाला तैयार है पीसने के लिए। बस ये ठंडा हो जाए तो हमें पीस के निकाल लेंगे। देखिए, हमारा मसाला पीस कर तैयार है। तो चलिए, तो यहाँ देखिए, मैंने पहले ऑयल डाला था, उसके बाद फिर मैंने उसमें थोड़ा घी डाला था। तेल इसलिए डाला ताकि हमारा घी या मक्खन जले ना। आप मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने तेल और घी का इस्तेमाल किया है। यहाँ देखिए, मैंने 4 काली मिर्च, 1 छोटी सी दालचीनी का टुकड़ा है, 2 लौंग है और 1 तेज पत्ता है, और ये जीरा है। तो चलिए, अब हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब इसे हम डाल देते हैं। देखिए, चलिए हमारे मसाले सारे हो चुके हैं। तो देखिए, यह हमारा मसाला अच्छे से पक रहा है। ये देखिए, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है हमारे मसालों से। देखिए, इसी तरह से चलाते रहना, जब हमारा मसाला कढ़ाई छोड़ दे, तेल ऊपर आ जाए, तब तक हम इस मसाले को भूनेंगे। हाँ देखिए, हमारा मसाला देखिए अच्छे से पक चुका है। इसने देखिए कढ़ाई छोड़ दी है, तेल भी देखिए ऊपर आ चुका है। बहुत अच्छे से हमारा मसाला भुनकर तैयार हो चुका है। चलिए, अब हम इस पर अपने सूखे मसाले डाल। तो यहाँ देखिए, कश्मीरी देगी मिर्च भी डाल दी हमने 1 चम्मच कलर के लिए, ये तीखी नहीं है। चलिए, इसमें हम अपने सूखे मसाले डाल देते हैं। ये देखिए, ये 2 चम्मच, इस चम्मच से भर के मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है। यहाँ हल्दी पाउडर डाल दिया है, देखिए लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। यहाँ देखिए, हम अपनी मटर डाल लेंगे। ये देखिए, जो मैंने बॉईल करके रखी थी मटर डाल ली है। तो यहाँ देखिए, 5 से 6 पीस जो है मैंने थोड़ा क्रश करके डाल दिए हैं। मैं डालती हूँ इस तरह से, बहुत ही अच्छा लगता है। अगर किसी के पास ग्रेवी भी जाती है ना, तो भी बहुत टेस्टी लगती है। इसलिए आप 5 से 6 पीस इस तरह से क्रश करके डाल दें। फिर इसमें हमने सारी पनीर डाल देंगे। तो देखिए, पनीर डाल के हमने 2-3 मिनट अच्छे से इसे भून लिया है। अब इसमें हम 1/2 कप पानी डालेंगे। ये देखिए, 1/2 कप पानी डालेंगे और 1/2 ही कप हम इसमें दूध डालेंगे। तो देखिए, हमने 1 कप इसमें दूध भी डाल दिया, 1 छोटे कप से,
तो देखिए कितनी अच्छी हमारी सब्जी का कलर आ चुका है। देखिए कितनी शाही सब्जी लग रही है। ये देखिए अब हमने यहाँ मलाई भर के रखी है। जब एक उबाल इसमें अच्छे से आ जाएगा, ये ग्रेवी पक जाएगी, तो हम इसमें अपनी कटोरी भरकर मलाई डाल देंगे। तो देखिए 3 से 4 काजू भी मैं डाल दूंगी इसमें। आप लोग चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास क्रीम नहीं हो तो आप काजू का पेस्ट भी डाल सकते हैं। इससे बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आता है और बहुत ही सब्जी शाही बनती है। तो देखिए अब अपनी सब्जी में नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार। आप लोग भी टेस्ट के अनुसार अकॉर्डिंग नमक डालें सब्जी को टेस्ट कर कर ही, क्योंकि हमने शायद प्याज और टमाटर भूनते हुए भी थोड़ा सा नमक डाला था। चलिए अब हम इसमें अपनी क्रीम भी डाल देते हैं। ये देखिए सारे क्रीम अपने डाल दीजिए आप। तो देखिए हम एक चुटकी घर का कूटा हुआ गरम मसाला डालेंगे, बस सिर्फ एक पिंच। देखिए बस हमें एक मिनट अब गरम मसाला डालने के बाद बस एक मिनट अपनी सब्जी को पकाएंगे और इसे बंद कर देंगे। तो देखिए हरी धनिया हम डाल देते हैं, और देखिए हमारी शाही सब्जी बनकर तैयार है। कितनी ही बेहतरीन, और देखने में देखिए कितनी अच्छी लग रही है। रेस्टोरेंट स्टाइल, ढाबा स्टाइल, कितने भी अच्छे से अच्छे होटलों की तरह हमारी सब्जी भी उससे कम नहीं बनी है, बहुत ही अच्छी बनी है। ये देखिए रेस्टोरेंट होटल भी फेल है, हमारी सब्जी बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत ही यम्मी बनी है। देखिए यहाँ हमारी मटर पनीर बनकर तैयार है। देखिए कितनी अच्छी कितनी बेहतरीन बनी है, और खाने में भी बहुत टेस्टी है, बहुत स्वाद है। तो आप लोग भी अपने घर में बनाइए और गर्मा गर्म खाइए। आप इसे रोटी नान पूड़ियों किसी के साथ भी खाएं, बहुत ही टेस्टी लगती है। देखिए कितनी अच्छी बनी हमारी क्रीमी क्रीमी मटर पनीर। तो चलिए अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हों, मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हों, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए बाय बाय।